नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूँ प्रीति सिंह। आयुष्मान भव में आज हम बात करेंगे एक बहुत ही आम और साधारण बीमारी एसिडिटी की। हमारा खान पान और जीवन शैली ऐसी हो गई है कि पेट में गैस बनना, एसिडिटी जैसी बीमारियां आम हो गई हैं। सर्दियों में खास तौर पर हम तरह तरह की तली भुनी चीज़ें खाते रहते हैं, जिससे एसिडिटी के रूप में पेट में और सीने में या कई बार तो सिर में भी तेज दर्द होता है। जब एसिडिटी या कहें ये तकलीफ बार बार होती है तो गंभीर समस्या भी बन सकती है। तो अगर आज आप भी एसिडिटी से जुड़ा कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है तीन खास मेहमान जो अलग अलग पैथी से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर वैशाली भारद्वाज। डॉक्टर वैशाली, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर पी के प्रजापति हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर अंजलि मिगलानी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आज के युग में एसिडिटी, पेट में गैस या अम्लता की शिकायत बढ़ती जा रही है। नए या कहें आधुनिक युग में रहन सहन और खान पान ही इसका सबसे बड़ा कारण है, और आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो एसिडिटी का शिकार ना हुआ हो। बदलते खानपान और जीवन शैली के कारण इन दिनों अमूमन लोगों को पेट से संबंधित कई समस्याएं होने लगी हैं। इनमें से एक है एसिडिटी। एसिडिटी एक आम समस्या है जिससे अक्सर लोगों को दो चार होना पड़ता है। अगर आपको भी ये परेशानी है तो इस पर गौर करना जरूरी है। एसिडिटी की समस्या तब होती है जब पेट में मौजूद एसिड गले की नली यानी एसोफेगस तक आ जाता है। नाभि के ऊपरी हिस्से में ज्यादा एसिड बनने लगता है, जिससे वहां जलन पैदा होने लगती है। कभी कभी एसिड ऊपर की तरफ गले में आ जाता है, जिससे खट्टी डकारें और जलन होने लगती है। ये मुख्य रूप से पित्त के कारण होता है। जब पेट में गर्माहट बढ़ती है तो पेट में पित्त उत्पन्न होता है। एसिडिटी के कारणों की बात करें तो अत्यधिक गर्म खाना खाना या गर्म तासीर वाली चीजें खाना इसका एक बड़ा कारण है। साथ ही ज्यादा मिर्च मसाले या खटाई का उपयोग करना भी इसके पीछे कारण है। इसके अलावा तीखा मसालेदार भोजन, अत्यधिक खट्टी चीजों का सेवन, देर से पचने वाली चीजों का सेवन, इसके अलावा नशीले पदार्थों का सेवन करने से भी एसिडिटी की समस्या होती है। भोजन को पचाने के लिए पर्याप्त समय ना देना और अपच के बावजूद खाते रहना इस समस्या को और बढ़ा सकता है। डॉक्टर वैशाली, जो हमने बताने की कोशिश की इसमें आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे, एसिडिटी क्या है और क्यों ये समस्या इतनी आम हो गई है? देखिए, एसिड जो होती है वो नॉर्मल फिनोमेना होता है खाना हजम करने का। एसिड मतलब तेजाब, नॉर्मल भाषा में अगर हिंदी भाषा में कहा जाए तो जब भी हम किसी तरह का खाना खाते हैं वो खाने की नली से होकर और पेट में जाता है, जहाँ पर कुछ पम्प्स होते हैं जो एसिड रिलीज करते हैं, और वो जो एसिड रिलीज होती है वो हमारे खाने के ऊपर एक्ट करती है और खाने को ऐसी हालत में तोड़ देती है कि जो आगे जाके छोटी आंत में हाजमा हो वो आसान हो जाए। तो एसिड तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन और किसी किसी लोगों में जब भगवान ने हमें बहुत सारे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म दिए हैं जो हमारे स्टमक में होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे कि अगर एसिड हमारे पेट में होती है तो सबको फिर गैस क्यों नहीं बनती। तो बहुत सारे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होते हैं जो हमारे स्टमक की लाइनिंग में होते हैं, जो हमेशा हमारा बचाव करते हैं उस एसिड से जो खाने को हजम करना चाहती है। लेकिन आजकल के खान पान, जीवन शैली और बहुत सारी दवाइयाँ या और किसी किसी चीज़ों से जो प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं वो ख़त्म हो जाती है। जो भगवान ने आपको एक शील्ड दी है प्रोटेक्शन की, वो छिल जाती है। जैसे हमारे शरीर पे घाव हो जाता है, ऐसे पेट में घाव हो जाते हैं जिन्हें हम अल्सर कहते हैं। तो जब ऐसा होता है तो वो जो घाव होते हैं उस पर कोई प्रोटेक्टिव सतह नहीं होती, तो जो एसिड नॉर्मल हमारे लिए अच्छी होती है वो हमें जलन पैदा करना शुरू कर देती है, और वो जो छाले हैं अगर उन पे एसिड दोबारा लगती रहेगी तो वो मैलिग्नेंट रूप ले सकते हैं, और हमें खट्टी डकार आना, ब्लोटिंग होना, ये सब चीज़ें महसूस होती है। ठीक है, मुकेश पाल पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से हमें कॉल किया है मुकेश जी ने, आपका स्वागत है। बताइए मुकेश जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। नमस्कार, बताइए। मैं मुकेश पाल बोल रहा हूँ जी। मैम, मेरे ब्रदर को ना, उनको प्रॉब्लम है एसिडिटी की, काफी समय से है, एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी सब कुछ कराया हमने, लेकिन उनको आराम नहीं मिल रहा है अभी तक। तो मैं जानना चाह रहा था इसका कोई इलाज है, क्या क्या प्रिकॉशन लेने होते हैं, क्या प्रोसेस होता है
प्रॉपर ट्रीटमेंट का, ताकि उनको वो सही से जो है एकदम बिल्कुल ठीक हो सके पहले की तरह। पहले वो काफी हेल्दी थे। वो पेट में जो स्टमक होता है, स्टमक में बताते हैं कि ये गार्ड टाइप से है, जो हार्ड लगती है उनको, लग खट्टी डकारे आती है, और खाना अगर वो खा लेंगे ऑयली चीजें जैसे पूड़ी वगैरह खा लेंगे तो उनको जो है वो पचता नहीं है, 2 दिन तक जो है वो डकारे आती रहती हैं। ठीक है, तो इसका क्या प्रॉपर इलाज है? कुछ उम्र उनकी कितनी है अभी? उम्र उनकी 35 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, ठीक है मुकेश जी, आपके सवाल को हम शामिल करेंगे, लेकिन कुछ देर बाद हम इसके प्रिकॉशन और जो ट्रीटमेंट है उसको लेकर हम बात करेंगे। फिलहाल आपके प्रश्न के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर प्रजापति, जैसे हम बात कर रहे हैं कि बदलते लाइफस्टाइल में ये हर किसी की प्रॉब्लम हो गई है, ज़्यादातर लोग इससे पीड़ित हैं, तो क्या ये नॉर्मल प्रॉब्लम है, क्या बोला जाए? आजकल के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो ये बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से जाते हैं, जब आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो 13वीं सेंचुरी से पहले कहीं भी क्लासिकल में कहीं कोई रेफरेंस नहीं मिलता है हमको। अच्छा। और 13वीं सेंचुरी के बाद इसके रेफरेंसेस हमको मिलने लगते हैं। अम्लपित्त करके पूरी डिजीज ही इन्होंने डिस्क्राइब कर दी है। और मेन कारण जैसे मैडम ने बताया कि हरी भरी एंड करी आज की हमारी लाइफ स्टाइल हो गई है, तो उसमें ये नॉर्मल फिजियोलॉजी से पैथोलॉजिकल में बदल जाता है। और स्ट्रेस एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे लिए इस समय। स्ट्रेस के बहुत सारे अभी हम लोग काम कर रहे हैं कि स्ट्रेस को किसी तरह से हम दूर रखें, लेकिन खाना पीना रहना ये तो नॉर्मल ऐसा हो गया है कि उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं, इसलिए उसको हमको बियर करना पड़ेगा। तो इसलिए हमको उसी में कोई ना कोई अपना रास्ता निकालना पड़ेगा, जिससे कि जैसे बार बार नहीं खाना है, 3 घंटे 4 घंटे का गैप देना है खाने के बीच में, तो और अति नहीं करनी किसी भी चीज़ की। जब हम ज़्यादा करने लगते हैं तो प्रॉब्लम होती है, अगर हम थोड़ा थोड़ा सब कुछ खाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरा फाइबर डाइट जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, और आजकल हम क्या सब रेडीमेड खा रहे हैं, तो उसमें फाइबर्स कैलकुलेट करके दिए जाते हैं हमको, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कैलकुलेट करके दिया जाता है, हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है। तो इसलिए हमको होलिस्टिक अप्रोच रखनी पड़ेगी, फ्रूट्स रखने पड़ेंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स रखनी पड़ेंगी, जिससे जो हमारा काम है उसका नॉर्मल फिजियोलॉजी है, उसका काम है सिक्रेशन करना, हम उसको चेक कर देंगे तो वो और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अच्छा। तो ना करते हुए उसको हार्मोनी मेंटेन करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है आजकल के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए भी अपने कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा। ठीक है, इन फैक्टर्स पे और हम डिटेल में बात करेंगे। एक और कॉलर है, अजय श्रीवास्तव ने कॉल किया है, पटियाला से हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी आपका स्वागत है कार्यक्रम में, आप सवाल पूछ सकते हैं अपना। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार मैम, मैं पूछना चाहता हूँ, मेरी बीबी प्रेग्नेंट है मैम, तो उनको पिछले 1-1.5 महीने से काफी प्रॉब्लम होती है, रात में काफी खट्टी डकारें आती हैं और साथ साथ कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। ठीक है, और अक्सर उल्टियां भी हो जाती हैं कभी कभी, तो मैं जानना चाहता हूँ क्या खाना खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। ठीक है डॉक्टर वैशाली, आप क्या बताएंगे ने? देखिए प्रेगनेंसी में अजय जी क्या होता है कि जो हमारा पेट होता है ना, वो बढ़ते हुए जो शिशु है उससे दब जाता है, तो उसकी वजह से नॉर्मल भी अगर हम खाना खा लेंगे एक समय में ज़रूरत से ज़्यादा। कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के साथ बहुत सारी मिथ जुड़ी होती हैं कि 2 आदमियों का खाना खाना चाहिए, ज़्यादा खाना खाना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना नॉर्मल खाना खाएँ। आजकल प्रेगनेंट होते ही औरतें रेस्ट करना शुरू कर देती हैं, तो वो रेस्ट ना करें, आप नॉर्मल खाना खाएं, क्योंकि जो आपके पाचन क्रिया है उस पर प्रेगनेंसी के हार्मोन्स भी होते हैं, उनका भी बहुत असर पड़ता है, जिसकी वजह से ये रात के समय खट्टी ढकारें आना, उल्टी लगना और अपच और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है। तो ध्यान रखें कि प्रेगनेंसी में एक तो व्यायाम जो है वो चलता रहे, जैसे आप वॉकिंग तो कर ही सकते हैं, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम, नॉर्मल जो आपका घर का काम है वो दिनचर्या करें। अगर डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट नहीं कहा है तो आप ज़्यादा समय लेटे ना रहें, बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करें, घर का बना हुआ खाना खाएं, और अपने खाने में हरी सब्जियां, सलाद, और जैसा कि अभी डॉक्टर प्रजापति ने भी कहा था, फाइबर्स जो हैं उनकी मात्रा बढ़ा के रखें, क्योंकि प्रेगनेंसी में एक तो बढ़ते हुए शिशु की ज़रूरत होती है जो माँ से अपने न्यूट्रिएंट्स लेता है, और साथ में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं ना प्रेगनेंसी के दौरान, वो हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी में बहुत सारा चेंजेस लाते हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन कम हो जाता है, और कुछ दवाइयाँ होती हैं जो माँ को दी जाती हैं खून बढ़ाने के लिए शिशु के लिए, वो भी कॉन्स्टिपेशन कर सकती हैं। तो एक्टिव रहें, हरी सब्जियाँ खाएं, सलाद खाएं, फल इंक्लूड करें, और सुबह शाम वॉकिंग करें, कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा खाना थोड़ी देर में खाएं, और जो रात का खाना है वो सबसे हल्का हो, और थोड़ा स्नैक्स बीच में लें, जो मेन डाइट होती है उनके बीच में, इससे आपको फ़ायदा होगा बहुत।
ठीक है। और एक और कॉल, जी डॉक्टर प्रजापति बताइए। इनको जो है रात को सोने से पहले गर्म दूध देना है, अच्छा। उसमें हुनक्का, क्योंकि प्रेगनेंसी में जरूरी होता है, कॉन्स्टिपेशन इनकी एक प्रॉब्लम है। हाँ हाँ। अगर वो कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा तो इनको ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो दूध में मुनक्का डाल के, 10 मुनक्का डाल के एक गिलास दूध में पकाएं, आधा गिलास रह जाए तो रात को सोने से पहले उनको गरम गरम पिलाएं, तो दोनों को फायदा करेगा। अच्छा ठीक है, तो ये उपाय भी आप अपना सकते हैं जो डॉक्टर प्रजापति बता रहे हैं और डॉक्टर वैशाली ने बताए हैं। कोलकाता से एक और कॉलर है, सौरभ पाठक ने हमें कॉल किया है। सौरभ आपका कार्यक्रम में स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा पहला प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति को एसिडिटी की समस्या है तो उसे क्या खाना चाहिए और किस प्रकार के खाने से परहेज करना चाहिए। मेरा दूसरा प्रश्न डॉक्टर पी के प्रजापति सर से है, सर एसिडिटी की समस्या का आयुर्वेद में किस प्रकार इलाज संभव है। थैंक यू वेरी मच। ठीक है सौरभ, आपके सवाल के लिए शुक्रिया। इलाज के बारे में हम थोड़ा सा बाद में जाएंगे, फिलहाल हम थोड़ा और डिटेल में बात कर लेते हैं इसके कारणों को लेकर और जो लक्षण हैं। डॉक्टर अंजलि, होम्योपैथी एसिडिटी को लेकर क्या कहता है और अगर इसके लक्षणों की बात करें तो जैसा हम कह रहे हैं कि ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसको कभी एसिडिटी की समस्या ना रही हो, लेकिन ये गंभीर कब हो जाता है, मतलब क्या ऐसे लक्षण हैं जिन पर खास तौर से ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखिए जैसे कहा गया है एसिडिटी सबको कभी ना कभी होती है, बट अगर एसिडिटी की वजह से आपको एक परसिस्टेंट बर्निंग रहती है जिससे कि आपका लाइफस्टाइल में दिक्कत आती है, आपको रोज़ काम करने में परेशानी हो रही है, मुँह में हमेशा कड़वापन रहता है, या आपको खून की उल्टी हो रही है या काले स्टूल हो रहे हैं, दैट मीन्स कि आपके स्टूल में भी ब्लड जा रहा है, ठीक है, आप अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, वज़न गिर रहा है जिसका कोई कारण नहीं है। कई बार हम वज़न घटाने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, खाना उस हिसाब से चेंज करते हैं, बट आपका नॉर्मल लाइफस्टाइल में भी अगर आप बहुत रैपिडली वेट लूज़ कर रहे हैं तो ये चिंता की बात है। इस केस में आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए ताकि आपकी इन्वेस्टिगेशंस हो सकें कि ये कारण क्या बनते हैं। इनडाइजेशन आम उम्र पर हमारी जो लाइफस्टाइल है उससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। अगर हम बहुत फास्ट खाते हैं तो हम जब हम फास्ट खाते हैं तो हम एयर स्वॉलो करते हैं, उससे क्या होता है कि हमें बहुत जल्दी डकार आते हैं, बर्पिंग की जो प्रॉब्लम है। फास्ट खाना, जल्दी खाना, ओवर ईट करना, इरेगुलर मील टाइम्स, कभी खाया कभी नहीं खाया, खाया फिर 6 घंटे बाद खाया और तब इतनी भूख लगी कि हमने ज़्यादा खा लिया, तो हमारी स्टमक में जो एसिड बनता है, बेसिकली अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो हमारा स्टमक ज़्यादा एसिड बनाएगा, ज़्यादा एसिड बनाएगा तो आपको बर्पिंग जलन ज़्यादा होगी। तो इसीलिए कहते हैं थोड़ा थोड़ा खाइए, बार बार खाइए। एक आजकल चलन है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, बच्चों से लेके बड़ों तक हर किसी को कोल्ड ड्रिंक का बहुत शौक होता है। हम देखते हैं शादियों में भी बच्चे स्पेशली जाके कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, बड़े भी लेते हैं तो वही जो बड़े करते हैं बच्चे भी उन्हीं से सीखते हैं। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, च्यूइंग गम्स हैं, इनसे एसिडिटी ज़्यादा होती है। जब आप च्यूइंग गम यूज़ करते हैं तो आप साथ में एयर स्वॉलो करते हैं, वो एयर जो आप स्वॉलो करते हैं बेसिकली वही एयर जब आप खाना खाते हैं तो वो बर्प के रूप में बाहर आती है। फिर पेशेंट ये कंप्लेंट करता है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा डकारें आती हैं। पेशेंट्स कहते हैं कि हम बाहर बैठे होते हैं तब भी डकारें आती हैं तो लोगों को बुरा लगता है। या हम जब बहुत फास्ट खाते हैं, प्रॉपरली चबाते नहीं हैं, तो वो खाना जो है प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता, वो खाना नीचे स्लिप होके इंटेस्टाइंस में जाता है। फिर इंटेस्टाइंस में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नॉर्मल है, वो फिर उस खाने को डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से गैस बनती है, फ्लैचुलेंस होती है। तो लोगों को ये कंप्लेंट आती है कि हमें बहुत ज़्यादा फार्ट होता है, मतलब हम बहुत ज़्यादा गैस पास करते हैं। जनरली 10 से 18 बार गैस पास करना रोज़, ये एक बिल्कुल नॉर्मल फिनोमिना है, इसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए अंटिल अनलेस आपका गैस में बहुत ज़्यादा स्मेल हो। अगर गैस में स्मेल है दैट मीन्स कि कुछ ऐसे आइटम्स हो सकते हैं आपकी डाइट में जो वो कॉज कर रहे हैं। जनरली सर्दियों की हम बात करें तो फूल गोभी है, बंद गोभी है, बेक्ड बीन्स हैं, इनसे गैस ज़्यादा बनती है। गार्लिक वगैरह जो लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लहसुन, उससे भी गैस ज़्यादा बनती है, उससे जलन भी ज़्यादा होती है, तो ये चीज़ें अवॉइड करें। एसिडिटी क्योंकि एक बहुत ही आम सी समस्या मानी जाती है, इसलिए एसिडिटी को कम करने के लिए ज़्यादातर लोग एंटासिड्स का इस्तेमाल करते हैं। एंटासिड्स मनुष्य के पेट में जाकर एसिड के साथ मिलकर उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं और राहत दिलाते हैं, लेकिन एंटासिड्स का सेवन कहाँ तक सही है आइए जानते हैं। आज के समय में एसिडिटी होना एक आम समस्या है, कई लोग इस परेशानी से जूझते हैं। एसिडिटी के लक्षणों की बात करें तो भोजन का सही तरह से ना पचना, बगैर किसी मेहनत के ज्यादा थकावट महसूस होना,
कड़वी या खट्टी डकारें आना, शरीर में भारीपन महसूस होना, हृदय के पास या पेट में जलन होना, कभी कभी उल्टी होना, उल्टी में अम्ल या खट्टे पदार्थ का निकलना, मिचली होना और मुंह से खट्टा पानी आना, सिर दर्द, आंखों में जलन और जीभ का लाल होना भी एसिडिटी के लक्षण हो सकते हैं। अगर एसिडिटी लंबे समय से है तो इससे कई और समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। एसिडिटी से पेट में छाले या सूजन हो सकती है। इसके अलावा आंत भी प्रभावित हो सकती है। साथ ही शरीर खाद्य पदार्थों से पोषण तत्वों को अवशोषित भी नहीं कर पाता। इसके अलावा एनीमिया जैसी परेशानी भी हो सकती है। जिन लोगों को एसिडिटी की शिकायत रहती है उनमें से कई लोग खुद ही इलाज भी कर लेते हैं, जिनमें से एक है एंटासिड का सेवन। अक्सर कई लोग एसिडिटी में एंटासिड लेते हैं और मानते हैं कि ये जादू की तरह काम करता है, लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि एंटासिड लेने की आदत काफी खतरनाक है। एसिड पेट में प्राकृतिक रूप से बनता है और खाना पचाने में मदद करता है। इसको न्यूट्रलाइज करने या इसका प्रोडक्शन रोकने के लिए कभी कभी दवा लेना तो ठीक है, लेकिन इसे आदत नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि एसिड बनने की प्रक्रिया को लंबे वक्त तक रोकने से डाइजेस्टिव सिस्टम प्रभावित होता है और इससे किडनी डैमेज और ऑस्टियोपोरोसिस तक हो सकता है। लिवर पर भी इसका काफी बुरा असर देखने को मिलता है। लंबे वक्त तक एंटी एसिड दवाओं का सेवन करने से कई समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए दवा खाने की बजाय एसिड बनने की वजह का पता लगाना चाहिए। अब दो कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ ने दिल्ली से कॉल किया है, निरंजन ने हमें बिहार से कॉल किया है। आप दोनों के सवाल हम कार्यक्रम में शामिल करते हैं। सिद्धार्थ, पहले आप सवाल पूछिए अपना। मैम, मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैम मेरे गले में ये खिचखिच सी रहती है, 3-4 महीने हो चुके हैं, और मैम मैंने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को भी दिखा दिया तो उन्होंने एसिडिटी की दवाई दे दी थी, पर मैंने ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाया तो वो बोलते हैं कि फेरेंजाइटिस है, क्रोनिक फेरेंजाइटिस। तो मैम ये बोलते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, क्रोनिक फेरेंजाइटिस का। मैम ये पूछना चाह रहा था मैं। ईएनटी को लेकर हम जब कार्यक्रम करेंगे सिद्धार्थ, तब हम आपका सवाल शामिल करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल क्योंकि आज का टॉपिक एसिडिटी है, लेकिन क्योंकि आपने ये सवाल पूछा है और एसिडिटी का गले में जलन से क्या संबंध हो सकता है, इस पर हम जरूर बात कर लेंगे आगे। लेकिन निरंजन, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है, आप अपना सवाल पूछिए। देखिए मैडम जी, कुछ दिन पहले क्या था कि जब मैं खाना खाता था ना जी, तो खाना खाता था तो हिचकी नहीं आता था। अभी रोटी खाता हूँ, भात खाता हूँ ना, समझिए ना जी, तो मतलब एक और खाना खाया ना, मतलब एक निवाला मुंह में डाला तो एक घोट पानी पीना पड़ता है। पहले ऐसा नहीं होता मेरे को, ऐसा तो नहीं लग रहा कहीं मैं गुटखा उटका बीड़ी सिगरेट का असर है ये सब। अच्छा, ये सब भी आप खाते हैं? जी जी, मैं झूठ नहीं बोलना चाहूंगा। ठीक है निरंजन जी, आप सुनिए अब क्या डॉक्टर आपको सलाह दे रहे हैं। डॉक्टर वैशाली, निरंजन जी के लिए पहले आप बताइए, ये जो हिचकी आने की बात कह रहे हैं, इसका क्या एसिड से कोई, एसिडिटी से लेना देना है या क्या हो सकती है? देखिए, हिचकी कभी कभी तो इनोकुस होती है, मतलब उसका कोई कॉज नहीं होता, इट कुड बी अ मतलब इंडाइजेशन की वजह से भी आ सकती है, लेकिन कभी कभी जो हमारा डायफ्राम होता है, जो उसकी नर्व्स होती हैं उन पे कभी कंप्रेशन होता है किसी तरह से, तो भी हिचकियाँ आ सकती हैं। और ये गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं। इनसे सभी जानते हैं कि इनके बहुत सारे नुकसान होते हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने सबने वर्ल्ड कैंसर डे मनवाया था, और इन सब चीज़ों से बहुत तरह के कैंसर भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार नोड्स एनलार्ज हो जाती हैं और वो डायफ्राम की नर्व्स को कंप्रेस करती हैं, दबाती हैं, तो हिचकी आती है। लेकिन जैसे ये कह रहे हैं कि एक एक घूंट पानी पीना पड़ रहा है, तो हो सकता है जो सिगरेट और जो तम्बाकू है ये भी एसिडिटी को बढ़ाते हैं बहुत। अगर कोई हमारे पास आता है और वो कहता है कि हम एसिडिटी हो रही है, तो हम हमेशा उससे पूछते हैं कि क्या आप स्मोकिंग करते हैं, क्या आप गुटखा या तम्बाकू का सेवन करते हैं, और अगर वो कहते हैं हाँ, तो हम उन्हें हमेशा कहते हैं कि आप ये सारी चीज़ें बंद कर दें, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए बड़ी हानिकारक है। तो हो सकता है आपको एसिडिटी की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन अगर साथ में आपका वजन कम हो रहा है, आपकी भूख जो है वो पहले से काफ़ी कम हो गई है, और आपके जैसा कि मैम ने बताया था कि खून आ रहा है या तो उल्टी में या मल के द्वारा, तो आप आसपास जो भी कोई आपके प्रैक्टिस डॉक्टर करते हो उनको ज़रूर दिखाइए, हो सकता है ये एसिडिटी के लक्षण हो या फिर साइड इफ़ेक्ट्स हो। ठीक है, और डॉक्टर प्रजापति, एक कॉलर जो पहले थे, क्योंकि जो गले में जलन है उसको भी एसिडिटी से जोड़ा जा जाता है, तो बताइए किस तरह का संबंध इसमें है? सिम्टम है इसका, जब एसिडिटी ज़्यादा होती है तो इस तरह से गले में जलन होने लगती है। इनको खाने पीने में थोड़ा सा अपना कंट्रोल करना पड़ेगा, इनको खाने से, खाने के बाद या खाने से पहले गर्म पानी थोड़ा सा पिए,
मेनली हमारे यहाँ डाइजेशन से ही इम्पॉर्टेंट है कि विदग्धा जीर्ण और विस्तब्धा जीर्ण दो तरह के बताए हैं सिम्टम्स। तो जब खाना नहीं पच रहा है तो एसिड बनेगा, ज़्यादा होगा तो वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करता है, और उसी से ये सब रिफ्लेक्स एक्शन है होता ही है। तो उसमें थोड़ा खाने पे कंट्रोल करें कि जितना खाना है, टोटल डाइट का 1/3 ही खाना होता है हमको। अच्छा। और हम पूरा पेट भर के खा लेते हैं या कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं जिससे हमको रिस्पॉन्स मिलता है। तो कोशिश करें कि खाने के बाद थोड़ा सा गर्म पानी पिएं और गैप रखें, थोड़ा सा शांत रखें, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम भी बहुत ट्रेवल करते हैं और कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है तो हम जाके चुपचाप लेट जाते हैं, दो एक दो घंटे बाद वो सब कुछ अपने आप डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो वो अगर उससे भी ठीक नहीं होता है तो एसटी मधु मुलेठी का पाउडर आता है हमारे यहाँ, मुलेठी का पाउडर आप खाने के बाद 2 बार सुबह शाम लें गुनगुने पानी से, ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी उनके। डॉक्टर अंजलि, क्या अब उम्र के साथ एसिडिटी का कोई संबंध रह गया है, क्योंकि आजकल बच्चों में भी हम देख रहे हैं कि ये समस्या आम हो रही है? देखिए, बच्चों में बेसिकली इसलिए है क्योंकि आजकल के बच्चे, जैसे पहले होता था कि सिंपल फूड्स, अब आजकल के बच्चे खाते हैं बर्गर, पिज़्ज़ा, मैदा वाली चीज़ें, ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, हर चीज़ में उनको मेयोनीज चाहिए, तो इसलिए उनका, क्योंकि खाने का लाइफस्टाइल ही जैसे चेंज हो गया है तो इसलिए उनको एसिडिटी होती है। दूसरी बात यह है कि आजकल के बच्चे इतना खेलते नहीं हैं, ज़्यादातर वीडियो गेम्स या फिर टीवी देखेंगे, बाहर खेलने का चलन बहुत कम हो गया है। जब आपकी कोई रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होगी तो एसिडिटी होगी, दैट इज़ वेरी कॉमन। बड़े लोगों में हमने ये देखा है, अब फॉर्चुनेटली दवाइयों से हमारी लाइफ बढ़ गई है, पहले जैसे 60 की उम्र में बहुत ज़्यादा डेथ्स होती थी, अब 80-90 में होती हैं, पर अनफॉर्चुनेटली लाइफ तो बढ़ गई है बट क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटीरियोरेट हो गई है। अब 40-45 की उम्र के बाद ही लोगों की दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं, आप अगर 50 की उम्र में दवाइयाँ खा रहे हैं तो कुछ दवाइयों के भी साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे होते हैं जिससे हमें एसिड ज़्यादा बनता है, आपकी रेगुलर एक्सरसाइज नहीं है, आप टाइम पे खाना नहीं खा पा रहे, या आप बहुत ज़्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ले रहे हैं, तब दिक्कत आएगी। स्ट्रेस की वजह से लोग आजकल स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म बहुत कॉमन हो गया है, शराब पीना, तो इस वजह से भी एसिड ज़्यादा बनता है। तो ये अब तो ये बचपन से लेके बुढ़ापे तक की एक तरह से समस्या बन चुकी है। ठीक है, और क्योंकि हमने गले में जलन की बात की थी, छाती में जलन की भी कई लोग शिकायत करते हैं, तो कैसे समझा जाए कि एसिडिटी की वजह से हो रहा है या क्या है, या और भी कोई लक्षण इसके साथ जुड़कर अगर नज़र आए तो ये जाना जाए डॉक्टर विशाली कि ये एसिडिटी के लक्षण है? देखिए, एसिडिटी तो लेबान टर्म्स है, जैसे हम आपस में बात करते हैं, बेसिकली जो मेन डिसीज़ होती है वो होती है गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़, जिसे हम कहते हैं GERD, मतलब पेट ईसोफेगस। जो हमारा ईसोफेगस होता है, खाने की नली होती है, वो हमारे पेट से जुड़ी हुई होती है, और उन दोनों के बीच में एक वाल्व टाइप का होता है जो हमेशा जो पेट का खाना है उसको ऊपर वापस आने से रोकता है। अगर हम ज़्यादा खाते हैं, अगर हम एसिड की चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, अगर किसी वजह से जो हम, कई बार क्या होता है कि हम बॉर्न ही होते हैं कि वो वाल्व ढीला है थोड़ा सा, कई बार ऐसा होता है, या जब मोटापा हो जाता है तो जो पेट की चर्बी होती है वो भी उस वाल्व को कंप्रेस करके खोल के रखती है, जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन। तो कई बार क्या होता है कि अगर हमने खाना ज़्यादा खाया, एसिडिटी ज़्यादा हुई, हमारा खान पान का तरीका अलग है, तो जो पेट का खाना होता है वो रिफ्लक्स, मतलब उल्टा होके गले में आना शुरू हो जाता है, और जो मैंने प्रोटेक्टिव लेयर की बात की थी शुरू में, वो हमारे जो खाने की नली होती है ना ईसोफेगस, उसमें नहीं होती, नीचे होती है, सिर्फ पेट में होती है। तो जब एसिड आती है तो वो जो ईसोफेगस का म्यूकोसा होता है वो डैमेज हो जाता है, और जो एसिड है वो ऊपर तक रिफ्लक्स, मतलब वापस उल्टी डकार, खट्टी डकार कहते हैं ना, वाटर ब्रैश कहते हैं, कि मुंह में अचानक हमें लगता है बहुत खट्टा पानी सा आ गया, दैट इज़ बेसिकली सिक्रेशंस ऑफ स्टमक जो हमारे ईसोफेगस से आके, और यहाँ पे फेरिंग्स भी होता है, वो कह रहे थे फेरिंजाइटिस हो जाती है, तो रिफ्लक्स वो बार बार होती रहती है, बार बार एसिड आती है आपके फेरिंग्स को, गले में जो और सारे ऑर्गन्स हैं उन पर आके इफेक्ट करती रहती है, तो आपका गला ख़राब रहना भी शुरू हो सकता है, आपके गले बार बार ख़राब भी होगा, गले में जलन भी होगी, छाती में जलन होगी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ईसोफेगस में वो वाली इतनी प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती जो हमारे स्टमक में होती है, तो इसीलिए एसिडिटी की वजह से रिफ्लक्स डिसीज में हमेशा छाती में जलन भी हो सकती है, गले में जलन भी हो सकती है, और मुंह में खट्टा पानी भी आ सकता है। तो दीज आर ऑल रिलेटेड टू गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, जिसे हम एसिडिटी कहते हैं। ठीक है, और डॉक्टर प्रजापति, कई लोग, मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कई लोग एसिडिटी को बहुत ही हल्के में लेते हैं, उन्हें पता है उन्हें डकारें आती हैं, खट्टी डकारें आती हैं, जलन होती है, लेकिन वो अपनी जीभ पे कंट्रोल नहीं कर सकते,
तो उसको इतना हल्के में लेना कितना गंभीर आगे जाके हो सकता है? नहीं, बहुत गंभीर हो जाएगा आगे जाके, फिर कंट्रोल नहीं होता है, फिर एंटा एसिड्स खाने में लगातार लेने पड़ते हैं, और एंटा एसिड्स लगातार लेने से कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं आज हम देख रहे हैं कि कोई भी दवाइयाँ काम नहीं करती हैं फिर। अच्छा, तो इसलिए उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, जब भी हो उसका सही सोल्यूशन निकाल के उसको तुरंत केयर देखनी चाहिए। अदरवाइज हमारी कोई स्ट्रक्चरल अगर डिफॉर्मिटी आ गई हमारे अंदर तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, और डॉक्टर अंजलि, होम्योपैथी में अगर इसके इलाज की तरफ अब हम जाएं तो किस तरह से ट्रीटमेंट हो सकता है एसिडिटी का? देखिए, एसिडिटी के लिए बहुत अच्छी दवाइयां हैं और डिजीज़ स्पेसिफिक दवाइयां भी हैं। जैसे मैम ने बोला जी ई आर डी के लिए हमारे पास एक सेट ऑफ मेडिसिन अलग हैं। कुछ पेशेंट्स को जी ई आर डी नहीं होता, सिर्फ फ्लैचुलेंस होती है, गैस पास होता है, उसके लिए भी देर आर वेरी गुड मेडिसिन, के लिए भी बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। पेरेंजाइटिस जो हो जाता है रिफ्लक्स की वजह से, गला खराब होना, बार बार गले में दर्द होना, पोस्ट नेजल ड्रूप, नाक के पीछे से रेशा गले के अंदर गिरना, उसकी वजह से जो एसिडिटी होती है, उसके लिए भी हमारे पास सेट ऑफ मेडिसिन हैं। हम होम्योपैथी में पेशेंट जब हमारे पास आता है उसकी एक डिटेल में केस टेकिंग करते हैं, जिसमें उसका लाइफस्टाइल, उसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, उसका रिलेशन अपनी फैमिली मेम्बर्स और सोसाइटी के साथ, उसका खान पान की तरफ क्या रुझान है, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। उसके स्ट्रेस फैक्टर्स भी जब हम केस टेकिंग करते हैं तो उसमें हमें स्ट्रेस फैक्टर्स भी पता चलते हैं, तो उससे हम काफ़ी बार कई चीज़ें पॉइंट आउट कर पाते हैं कि ये कारण है जिसकी वजह से आपको ये दिक्कत ज़्यादा है। उस हिसाब से हम उनको एक तो दवाई भी देते हैं, साथ में अगर स्ट्रेस है तो उनको उससे जूझने का तरीका भी बताते हैं। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज पेशेंट को मिलता है। और अच्छी बात यह है कि ये मेडिसिन जो है हैबिट फॉर्मिंग नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप आज खा रहे हैं, आप दो महीने बाद आप छोड़ना चाहें तो आप छोड़ नहीं पाएंगे, आप आसानी से छोड़ सकते हैं। बट हमेशा एक क्वालिफाइड होम्योपैथ को पूछ के ही करिए जो भी करें। ठीक है, एक और कॉलर है, शुभम ने हमें दिल्ली से कॉल किया है। शुभम, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, पूछिए सवाल आपका क्या है, बताइए। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि मैं 8 to 10 आवर्स अपने मतलब दिल्ली में पढ़ाई करता हूँ, मुखर्जी नगर में मैं रहता हूँ, तो मैम मुझे ये प्रॉब्लम है कि मुझे डाइजेशन प्रॉपर हो नहीं पाता है। हालांकि फूड जो है वह वहाँ पे मुखर्जी नगर में तो जंक फूड वगैरह मिलता है, तो जो भी हमें मतलब हम लोग तो बाहर से रह रहे हैं तो हमें खाने पीने जो भी मिलता है हमें खाना पड़ता है सिंपली वहाँ पे। अच्छा, लेकिन मैम ये प्रॉब्लम है कि जैसे हम लोगों को टाइम नहीं मिलता स्टडी के लिए, हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं, तो मुझे ये प्रॉब्लम है कि मेरे को डाइजेशन प्रॉपर हो नहीं पा रहा था, मैं उसके लिए क्या मतलब रेमेडी मेरे लिए हो सकती है मुझे पूछनी थी मैम। ठीक है शुभम जी, लेकिन जहाँ जैसे शुभम बता रहे हैं डॉक्टर प्रजापति, जहाँ जंक फूड मिलता होगा वहाँ कुछ ना कुछ तो उपाय भी जरूर होगा, तो आप बताइए जरा कि उस जंक फूड से अलग जो दुकानों पे मिलता है उसमें से क्या चुन सकते हैं अपनी दिनचर्या में शामिल। हमने आपको पहले बताया कि जंक फूड भी अगर खा रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी कम रखनी है अपने को, पेट भर के नहीं खाना है। कोशिश करें कि जो है मिर्च मसाले जरा कम हो उसमें, और गर्म पानी पिए ऊपर से, तो डाइजेशन अपने आप ठीक होगा। मेरा ये देखा है, एक्सपीरियंस आया है इसमें, कि जिन पेशेंट्स को ऐसी प्रॉब्लम होती है उनको सिर्फ हम गर्म पानी पिलाते हैं, हॉट वाटर, हॉट वाटर मतलब गर्म पानी का मतलब गर्म, ज़्यादा गर्म पानी पीते हैं तो वो डाइजेशन में हेल्प करता है और ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चों को जनरली ऐसा होता है, कॉन्स्टिपेशन और इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ उनको सुबह शाम तो कम से कम वॉकिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा बॉडी की एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, अदरवाइज़ तो इसके साथ ही चलना पड़ेगा उनको। ठीक है, या फिर कर सकते हैं तो रात को सोते वक्त त्रिफला का पाउडर रेगुलर खाएं वो। अच्छा, तो उससे उनको आराम, वो गर्म पानी के साथ ही खा सकते हैं। गर्म पानी के साथ। ठीक है, स्मिता ने कॉल किया है, मुंबई से हमारे साथ जुड़ी है। स्मिता, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए आपका सवाल क्या है। स्मिता एक बार दोहराइए, आप क्या कह रही हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। कोलाइटिस की प्रॉब्लम है जी, तो वही एसिडिटी वगैरह रहती है। और ठीक है स्मिता, आप थोड़ी देर कॉल पर बने रहिए। डॉक्टर विशाली, आप और कुछ पूछना चाहेंगी क्या? देखिए, कोलाइटिस इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। कोलाइटिस एंड एसिडिटी एक चीज़ नहीं होती। ठीक है, कोलाइटिस इज मोर अबाउट बड़ी आंत या छोटी आंत में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कोलाइटिस होती है। छोटी आंत के ऊपर पेट, और अगर हम गले, खाने की नली की बात करें तो दैट इज एसिडिटी। और फादर को है तो उनकी एज भी ज़्यादा होगी, तो आई थिंक जो इंस्टेड ऑफ हमसे क्वेश्चन पूछे, आसपास जो भी डॉक्टर हैं जिनको दिखा रहे हैं उनसे जाके एक बार डिटेल चेक करा ले। क्योंकि कोलाइटिस बहुत सारे कारणों से होती है जो इस कार्यक्रम के सिलेबस से परे है जी।
तो एसिडिटी अलग है और कोलाइटिस अलग है, इन दोनों में आप कंफ्यूज ना हो, दोनों अलग अलग बीमारियां होती हैं। ठीक है डॉक्टर प्रजापति, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, हमको दिखाना पड़ेगा इनको किसी एक्सपीरियंस आदमी को, क्योंकि कोलाइटिस का जैसे मैडम ने बताया जनरली हमें भी कोलाइटिस कॉमन प्रॉब्लम है आजकल। हाँ। और हमें भी कोलाइटिस में इधर उधर की दवाइयाँ ना देके सीधा डायरेक्ट एक्शन होना चाहिए, दवाइयाँ अच्छा। सीधी जानी चाहिए, और बहुत से चलाते भी हैं लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं चलाते हैं, तो इसलिए वो उसको दिखा के ही ट्रीटमेंट करें वो, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डॉक्टर अंजलि, एक तबका ऐसा भी है जो ये कहता है कि हम बहुत ही संतुलित खाना खाते हैं, कुछ जंक फूड नहीं खाते, तब भी हमें एसिडिटी है, तो उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, हो सकता है कि खाना उनका सिंपल हो पर उनकी लाइफ में किसी तरह के स्ट्रेसेस हों, अच्छा, पहली बार। दूसरा, उनका खाने का तरीका सही ना हो, ओवर ईटिंग, अंडर ईटिंग, नॉन ईटिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सिंपल फूड है पर कई लोग जैसे होते हैं कि हम तो सुबह ही खा लेते हैं, हमने चार रोटी सब्जी खा लिया, अब हम पूरा दिन नहीं खाएंगे, है तो वो भी सिंपल फूड पर उसमें भी एसिडिटी होगी, क्योंकि आपने पूरा दिन खाया नहीं, तो एसिड तो स्टमक में कुछ टाइम बाद बनना है, ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है, तो वो एसिड में, क्योंकि आपके पेट में खाना नहीं है तो वो आपके पेट को वैसे जलाएगा, तब आपको दिक्कत आएगी। और अगर आपके परिवार में कोई स्ट्रेस है, आपकी टेंडेंसी है स्ट्रेस लेने, कई बार ऐसा होता है कि एक ही परिवार में चार जन हैं, उसमें से दो जन हैं जो उसी बात पे बड़े मस्त रहेंगे, कोई रिएक्शन नहीं होगा, पर ऐसे दो जन या एक जन ऐसा भी होगा जो उस छोटी सी ही बात को मन पे लगा लेगा, शायद ना बोल पाए वो, पर अंदर ही अंदर उसके बारे में सोचता रहेगा, जूझता रहेगा। उसकी वजह से हमारी ब्रेन से कुछ हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारी स्टमक को ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करने का सिग्नल देते हैं, तब उस केस में आपका एसिड ज़्यादा बनेगा। खाना तो आपका सिंपल था पर क्योंकि एसिड ज़्यादा बना तो उसकी वजह से आपको इनडाइजेशन आएगी। तो एक ये चीज़ें, थोड़ा सा एक्सरसाइज, अगर आप एक हफ्ते में 2.5 घंटा 1 वीक में 2.5 आवर्स भी एक्सरसाइज कर लेते हैं, भले ही वो सिंपल वॉक हो, जॉगिंग हो, जिम हो, उससे भी आपको बहुत फर्क पड़ता है। तो एक हफ्ते में 2.5 घंटे अपनी लाइफ के लिए देना बहुत अनिवार्य है, उससे आपको 50% केसेस हमने ये देखा कि वैसे ही ठीक हो जाते हैं, उनको दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ लोग ओवर द काउंटर मेडिसिन बहुत खाते हैं, एलोपैथिक दवाइयाँ पता चल गई, होम्योपैथिक पता चल गई, आयुर्वेदिक पता चल गई, लेते रहे और लेते ही रहे, आराम है तो खाते रहेंगे, क्या नुकसान है? पर ऐसा नहीं होता, आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, कारण पता करने की कोशिश करें, उस कारण का निदान मिलेगा, उससे आपकी दिक्कत ठीक रहेगी। ठीक है, एक और कॉलर है, अजीत ने हमें कॉल किया है, प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हैं। अजीत, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, आप सवाल पूछिए। जी मैडम, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग, बताइए। मेरी बेटी 1 साल की है मैडम, ये लाइटिंग करती है, तो शुरुआत में इसकी लाइटिंग बहुत टाइट होती है और ये बहुत रोती है, उसके बाद फिर लाइटिंग ढीली होती है, क्या ये भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है क्या? 1 साल के बच्चे में ये शिकायत है, 1 साल के बच्चे मोस्टली 6 से 8 महीने के बाद ऊपर का खाना शुरू कर देना चाहिए, जिसमें संतुलित आहार होता है, खिचड़ी जिसमें आप सारी सब्जियां डाल सकते हैं, उसको सॉफ्ट करके बच्चे को खिलाएं। हो सकता है आपका बच्चा दूध पी रहा हो, कई बार दूध के परिवर्तन से, माँ के दूध से ऊपर के दूध के आने पर भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, तो ये कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। आप ध्यान दें कि आपका बच्चा पानी ज़्यादा पी रहा है और दूध भी जो है वो ज़्यादा गाढ़ा ना हो, तरल हो, और उसे खिचड़ी में, क्योंकि छोटे बच्चे अलग सब्जी नहीं खा सकते, तो कोशिश कीजिए कि खिचड़ी में सारी सब्जियां और फल मिला के अच्छे से मैश करके उसे खिलाएं और उसे अभी से सिखाएं, क्योंकि ये बचपन से आदत बन जाती है। बचपन में ही अगर आप चबा चबा के नहीं खाएंगे, छोटे बच्चे की आदत होती है कि जो मुँह में डाला उसको निगल गए, तो वो अगर आप चबा के भी नहीं खाएंगे तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें कीजिए, फाइबर इंक्लूड कीजिए, फल सब्जियाँ दूध हर चीज़ संतुलित रूप में दीजिए अपने बच्चे को। ठीक है, आदेश ने कॉल किया है, राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं। आदेश, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, बताइए सवाल पूछिए। मैम, मेरे को, मुझे काफी टाइम से मैम एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती थी, करीबन 4-5 साल से, और मैम उसके बाद मुझे अभी ट्रीटमेंट करवाया तो मुझे इंडोस्कोपी में पता चला कि मेरे इंटरम पार्ट में मैम इरोजन हुए हैं कुछ, अच्छा, और उसका ट्रीटमेंट मुझे लेते हुए करीबन 8 महीने हो गए तो भी कोई रिलीफ नहीं हुआ है, और मैम मुझे डेली एसिडिटी रहती है सुबह से रात तक। ठीक है, तो मैम ये कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, कोई मुझे खानपान में चेंज करना है? नॉर्मल खानपान ले रहा हूँ तो भी दिक्कत रहती है। ठीक है आदेश, डॉक्टर वैशाली आप बताइए इन्हें। देखिए, जैसा कि आपने बताया आदेश जी, कि आपकी एंडोस्कोपी में एंट्रल इरोजन थे, जो एंट्रल इरोजन होते हैं वो एक बैक्टीरिया होता है एच पायलोरी, शायद उससे हो या फिर एसिडिटी से हो। उसका इलाज 15 से 20 दिन का कोर्स होता है जो आपको आपके डॉक्टर ने दिया होगा और ठीक हो जाता है। कई बार जैसा कि आपने बताया कि आपको एसिडिटी के साथ कॉन्स्टिपेशन भी है, तो एक और बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम,
उसमें क्या होता है कि जो हमारे मस्तिष्क की नसें होती हैं और जो हमारे आंत होती है उनकी जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है, जिसे हम कहते हैं गट ब्रेन एक्सिस। तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो एंट्रल इरोजन थे वो तो ठीक हो गए 15 दिन में, लेकिन आपने हो सकता है दिमाग में वो बात बिठा ली हो, क्योंकि जो गट ब्रेन एक्सिस होती है वो कई बार स्ट्रेस से, ज़्यादा सोचने से या किसी बीमारी से हो जाती है। धीरे धीरे आप कोशिश करें कि इन दवाइयों से आप अपने आप को हटाने की कोशिश करें, क्योंकि हमें भी ऐसे पेशेंट बहुत आते हैं हमारी ओपीडी में, एनआईपीडी में, जो बहुत हमारे ऊपर जोर डालते हैं कि ना चाहते हुए भी हमें उन्हें दवाई शुरू करनी पड़े। आपका जो कोर्स था वो 15 दिन का था। आप अपना लाइफस्टाइल देखिए, हो सकता है आपके लाइफस्टाइल में स्ट्रेस हो, आप ठीक से जो आपकी दिनचर्या है उसमें आप व्यायाम ना ही करते हो, खान पान साधारण तो आजकल किसी का भी नहीं होता, सब कहते हैं लेकिन साधारण किसी का भी नहीं होता, हमारा भी नहीं होता, कहीं ना कहीं बाहर का खाना, पैकेज फूड और अनियमितता से खाना, ये आजकल सबकी एक तरह से जीवन शैली बन गई है। तो आप देखें, हो सकता है ऐसे कोई और चीज़ें हो जो एग्रेवेट कर रही हो, क्योंकि जो एंट्रल इरोजन होते हैं वो तो मैक्सिमम 15 से 20 दिन की दवाई के कोर्स में ठीक हो जाते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि वो ठीक नहीं हुए, वो तो आपके एक महीने में ठीक हो गए होंगे। अब आप देखें कहाँ पर और जड़ समस्या की जड़ ढूंढे और देखें कौन सा और कारण है जो हमने बताए हैं उसमें से है, और कोशिश करें कि उनको आप हटाएं और स्वयं को ठीक करें, क्योंकि दवाइयाँ किसी भी पैथी में कोई भी जो दवाई होती है ज़्यादा से ज़्यादा समय हमें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उनके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। उस समय तो आपको इंस्टेंट आराम मिल जाएगा, लेकिन थोड़े दिन में फिर आदत हो जाती है और आप फिर उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट तो सभी को होता है, ऐसा नहीं है कि उस डिस्कम्फर्ट को इतना नहीं मान के चलना चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके दवाइयों से अपने आप को हटाना चाहिए। और डॉक्टर प्रजापति आदेश ने जो भी सवाल किया, उन्होंने एक जब बोला कि मैं जब नॉर्मल खाता हूँ तब भी ऐसा होता है, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि तुरंत आप एक दिन नॉर्मल खाना खा रहे हैं और तुरंत आपका सिस्टम ठीक हो जाए, मेरे ख्याल से ये भी थोड़ी जल्दबाजी होगी, उसको जीवन शैली में धारण करना और उसके लिए थोड़ा पेशेंस होना, धैर्य होना, ये भी कितना ज़रूरी है थोड़ा समझाइए। बहुत जल्दी बहुत परेशान नहीं होना चाहिए इसमें, अपने को एक स्ट्रेस एक फैक्टर है इसमें कंटिन्यूस, और जब हम उस बारे में सोचते हैं तो हमको ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है। फिर भी इनके केस में अगर ट्रीटमेंट पूरा हो चुका है मॉडर्न का, तो आप इंदुकांत घृत खाने से पहले एक एक चम्मच दो बार लें, और रात को सोने से पहले अभिपति का चूर्ण 3 ग्राम गर्म पानी से लें। इंदुकांत घृत, जैसे कि बताया कि इरोजन होता है, तो इरोजन में इंदुकांत घी जो होता है वो जाके अंदर एक लेयर बनाता है हमारा, तो वो उसमें और भी ड्रग्स हैं जो एंटी स्ट्रेस एक्टिविटी भी काम करती हैं। तो दोनों तीनों फैक्टर आपको एक साथ मिल जाएंगे, आप कुछ दिन 7 दिन लेके, नहीं तो कंसल्ट करें। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अभी कॉल पे आदेश है नहीं हमारे साथ। अच्छा, है आदेश जी? मैम जी, कहाँ कहाँ पे रहते हैं आप? जयपुर। जयपुर में, तो जयपुर में माधव विलास पैलेस है, वहाँ जाएं, किसी डॉक्टर को दिखा लें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है, वहाँ दिखा के वहाँ से दवाइयाँ ले लें आप। एक आध महीने दवाई करनी पड़ेगी आपको। ठीक आदेश, हम भी उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो, आपकी समस्या दूर हो। और डॉक्टर अंजलि, जब मैं एसिडिटी की बात करती हूँ तो मुझे अपने एक नेबर याद आती हैं, जिनको मैं देखती थी वो एसिडिटी से हमेशा, उन्हें डकारें आती थी, पेट फूला रहता था, वो बहुत परेशान रहती थी। वो थोड़ा योग शामिल करने की भी कोशिश की और जो वो जितना सादा खाना खा सकती थी खाया। तो आप थोड़ा समझाइए कि ये जो समस्या है, ये लगातार इस तरह से बने रहना, उसके पीछे कारण क्या है, और लगातार बने रहने के वजह से क्या क्या और दिक्कतें हो सकती हैं? आप जो बात करें बेसिकली दैट इज़ इनडाइजेशन, अपचन। अच्छा। उसमें ब्लोटिंग होना, पेट फूल जाना, खट्टे डकार आना या सिर्फ डकार आना, थोड़ा सा खाने के बाद भी पेशेंट को ये लगता है कि मेरा खाना पड़ा हुआ है पेट में ही, मतलब नाभि से ऊपर और सीने के नीचे, ब्रेस्ट बोन से नीचे एंड अबव नेवल गैस बन जाती है, तो पेशेंट बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है। उसमें पेशेंट को ये लगता है कि मैं और ना खाऊं, क्योंकि मेरा पहला वाला खाना ही नहीं मेरे से पचा, तो मैं आगे कैसे खाऊंगा। बेसिकली उम्र कितनी थी उनकी? उम्र भी रही होगी 50 के आसपास। हाँ, तो उम्र थोड़ा है, थोड़ा धीरे धीरे अपने घर का काम करना, खाना खाते ही वजन वाले काम ना करना, नीचे ज़्यादा ना झुकना, थोड़ा सा अपना जो बेड एंड है, जो आपका सर का हिस्सा है, सिरा है, उसको थोड़ा सा रेस करके रखना, छोटी छोटी प्रिकॉशन से दिक्कत कम हो सकती है। फल वगैरह खाएं, फाइबर उसमें इंक्लूड हो जाता है, और जो फल स्किन के साथ खाए जा सकते हैं, ठीक है, उनको स्किन के साथ ही खाएं। ज्यादातर हम यही करते हैं, एप्पल लिया, सेब लिया, यानी डॉक्टर जो आप सुझाव बता रही हैं वो शामिल करना, और उसको उसके लिए धैर्य से इंतजार करना भी बहुत जरूरी है। यानी एक बात तो साफ है कि एसिडिटी सीधे सीधे हमारी जीवन शैली और बिगड़ी लाइफस्टाइल और बहुत हद तक तनाव,
यानी स्ट्रेस से भी जुड़ी हुई है। इस कार्यक्रम के जरिए हमने जाना कि मामूली एसिडिटी भी जानलेवा बीमारी का रूप ले सकती है। तीनों मेहमानों का फिलहाल मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी आज जरूरी सलाह और सुझाव देने के लिए। और हमने जाना कि जिन रोगों की सबसे ज्यादा अनदेखी भी होती है उनमें से एक एसिडिटी भी है। अक्सर इस समस्या से राहत पाने के लिए हम खुद ही डॉक्टर भी बन जाते हैं। एसिडिटी न सिर्फ एक बड़ी समस्या है बल्कि कई रोगों का संकेत भी है। बदलती जीवन शैली और बढ़ती सहूलियतों के बीच बैठे बैठे काम करने की प्रवृत्ति के कारण एसिडिटी बहुत आम समस्या हो गई है। इसलिए अब भले ही धीरे धीरे ही सही लेकिन दिनचर्या और खान पान में बदलाव लाइए और एसिडिटी से छुटकारा पाने के लिए दवाइयों की नहीं बल्कि नियमित व्यायाम को भी अपनी आदत बनाइए जिससे एसिडिटी को आप हमेशा काबू में रख पाएं। इसी के साथ आयुष्मान भव के इस अंक में फिलहाल इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ